नमस्कार। कलश में आज आपके लिए लाए हैं, उजड़ गया है बड़ी सादड़ी का खेल मैदान, कभी भी गिर सकता है प्राचीन देव सोमनाथ मंदिर, डूंगरपुर का बस्ता रहित स्कूल, साथ ही पत्रिका स्थापना दिवस समारोह, मसाला मेला और राम जी की निकली सवारी, 8-10 वर्ष की उम्र में 10-10 किलो के बस्ते कंधों पर ढोते लाखों बच्चे प्रतिदिन सड़कों पर नजर आ जाते हैं। इस बोझ से बेचारे बच्चों का बचपन ही नष्ट हो जाता है। क्या कोई ऐसा स्कूल है जहां के बच्चे बोझा न ढोते हों? जी हां, चलते हैं डूंगरपुर और देखते हैं सैफिया स्कूल के शानदार नजारे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आदिवासी जिले डूंगरपुर के मोहम्मदिया में एक ऐसा विद्यालय भी होगा जहां बच्चों को अति आधुनिक ढंग से शिक्षा प्रदान की जाती है। दाऊदी बोहरा समाज द्वारा संचालित इस विद्यालय की विशेषता है कि यहां बच्चों को बस्ता लेकर स्कूल नहीं आना पड़ता। उन्हें तरह तरह के उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे न केवल उनका बौद्धिक विकास होता है वरन उनकी सृजनात्मकता में भी भारी वृद्धि होती है। यहाँ के बच्चे प्लेवे मेथड से पढ़ते हैं। प्लेवे मेथड का मतलब ये होता है कि यहाँ बच्चे आते हैं तो खेलने के लिए आते हैं और खेलते खेलते ही सारा पढ़ लेते हैं। इतना पढ़ लेते हैं जो शायद किताबों में भी वो इतना कुछ नहीं पढ़ सकते। तो मेन हमारा रहता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड से हम उनको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, EVS वगैरह सब उनको पढ़ाते हैं। विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर्स के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। बचपन से ही कंप्यूटर चलाने से बच्चे सूचना के अथाह सागर से स्वतः ही जुड़ जाते हैं। इन्हें न केवल प्रायोगिक वरन व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। विद्यालय के प्राचार्य वर्गीस कहते हैं कि हालांकि पिछले 5 वर्ष से स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ के बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। जैसे गांधी जयंती को बच्चे बस्तियों में जाकर सफाई करते हैं और मकर संक्रांति को बच्चे उनके माता पिता और शिक्षक मिलकर पतंगबाजी करते हैं। निसंदेह एक छोटी सी जगह स्थित सैफियाह स्कूल आधुनिक शिक्षा की बड़ी मिसाल है।